गॉड माय मम इज मम. ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ हनी. पिया पिया क्यों बुला दिया. माँ क्या करी माँ, प्लीज गो. हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब. आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके चेहरे के ग्लो को वापस लाने के लिए, आपका जो रंग है उसे निखारने के लिए. अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है या फिर चेहरे पे वो रौनक नहीं है, उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर. इसके बाद हम लेंगे इसमें 1/2 स्पून ऑफ चंदन पाउडर. अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन ले सकते हैं. थर्ड हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून ऑफ राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ हनी. अब हम इसमें रोज़ वाटर से इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए. तो ये मैंने इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दिया है और अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और इसे अपने फेस पे 15 to 20 मिनट्स के लिए रहने दें. उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लें. इसे आप वीक में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. लेकिन इसे रेगुलर फॉलो करें आप, इसे हर वीक 2 से 3 बार अप्लाई करें. इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ. कॉफ़ी में कैफीन की अच्छी मात्रा होती है जो ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करता है और जिससे हमारी स्किन होती है स्मूथ और ब्राइट. चावल का आटा झुर्रियों और डार्क सर्कल्स को दूर करने व स्किन को ग्लोइंग रखने में मदद करता है. शहद दाग धब्बे कील मुहासे और झुर्रियों से मुकाबला करने में मदद करता है. इसे चेहरे पर नियमित लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है, साथ ही ये स्किन पोर्स में जमी गंदगियों को भी बाहर निकालता है. सो इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब मैं आती हूँ अपने फेस को वॉश करने के बाद. मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और इसका जो अमेजिंग सा रिज़ल्ट है वो आप क्लियरली मेरे चेहरे पर देख सकते हैं, डिफरेंस भी देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर में. सो ट्राई ज़रूर करें इस रेमेडी को. वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.